What will be the operating profit ratio if operating ratio is 82.59%? तो बताओ बेटा अश्विन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है 100%, तो अगर एक दे रखा है तो दूसरा निकाल सकते हैं, तो 100 माइनस 82.59 विच वुड बी 17.41, 100 माइनस 82.59 इज इक्वल टू 99, 17.4। कोई भी डाउट सर? कुछ बढ़िया था। ठीक है बेटा, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, क्वेश्चन नंबर 157। तो एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस, एक एक करके करते हैं। केस वन, आरएफओ गिवन है, आरएफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। केस टू, आरएफओ गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। कोई डाउट? ठीक है जी। केस थ्री, आरएफओ गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो 20% ऑन सेल्स मतलब 72,000 आरएफओ, ग्रॉस प्रॉफिट आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा। आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ। आपको चाहिए क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आरएफओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। समझ आया मैंने क्या बोला? ये करके दिखाओ। केस ओके ठीक है। केस थ्री में क्या दे रखा है? आर एफ ओ एनर्जी वेस्ट करा दे मेरे, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ आर एफ ओ, तो 20% ऑफ 360 विच इज इक्वल टू 72,000। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 18,000, तो पहले कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ 360 माइनस 72, तो 60 तो ये हो गया 18, मतलब 282,000, 288,000, सॉरी 288,000, 72 है ना, तो 60 तो ये हो गया, 12 बनाएंगे 288। कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया, और क्या गिवन है हमें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या है? 288,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 18,000, तो कितना हो जाएगा? 3,06,000। कोई भी डाउट? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू आर एफ ओ माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, आर एफ ओ कितना है? 360 माइनस 3,06,000, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? 54,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज 54,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 × 100। कोई भी डाउट? तो 6 9 54, 6 5 56, 6 9 54, 6 5 30। ठीक है, एटीन परसेंट, 18%। कोई भी डाउट? इजी, मुश्किल तो नहीं था? मुश्किल तो नहीं था सर, लेकिन आंसर नहीं आया। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स, 72 कहाँ पे कुछ कर। अच्छा,
अच्छा मैंने किससे डिवाइड किया हुआ है? ओके गलती से मैंने वैल्यू गलत ले ली कहाँ से, लेकिन 3 लाख कहाँ से आया फिर? मैंने गलती से उसको 3 लाख रीड कर लिया, 3 लाख 60, तो मतलब बाकी सब कुछ सही है, आराम से करना चाहिए था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 54, ऑपरेटिंग ये अपना आरएफओ कितना है 360, वैल्यू गलत लिखी थी क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा सही निकला था, बेसी गलत थी। तो 6 9 6 6 3 2 3 3 2 5 5 3, बेस गलत ले ली थी, मिसरीड करा कहीं से 3 लाख लिखा। समझ आ रहा है कैसे करना है? अपने आप करेंगे आगे, ठीक है ना? कुछ तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, स्कोरिंग है स्कोरिंग रहने देना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।